नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजय श्रीवास्तव है। मैं हिम्स डेराबसी में नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट देखता हूं। हिम्स, जैसा आप सबको मालूम है, एक इंटीग्रेटेड मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां पे ना केवल हम नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्म, होम्योपैथी, डाइट, योगा, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग एलोपैथी का भी इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स के जान बचाने के लिए। हिम्स, जिसकी स्थापना आचार्य मनीष जी, डॉक्टर बीआरसी जिनमें प्यार से कहते हैं, विश्व प्राय चौधरी, डॉक्टर अवधेश पांडे और डॉक्टर अमर आज़ाद सर द्वारा स्थापित, ये वो विश्व का पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम इंटीग्रेटेड रूप में थेरेपीज करते हैं। और डॉक्टर बीआरसी सर के ग्रैड प्रोटोकॉल्स को देख के और सुनकर हजारों की संख्या में पेशेंट्स आज हमारे पास आ रहे हैं, स्पेशली सीकेडी के पेशेंट्स। उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं हरिंदर पाल सिंह औलख जी। हरिंदर जी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरे को बहुत अभी रिसेंटली मेरा क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ गया था। ओके। वैसे मुझे ब्लड शुगर भी है, बीपी भी है और थायराइड भी है पिछले 10-15 साल से। ओके। लेकिन सीकेडी की प्रॉब्लम मुझे तकरीबन तीन चार साल से ज़्यादा। कैसे पता लगा कि आपको सीकेडी की प्रॉब्लम? मैं जिस हॉस्पिटल में जाता था तो उन्होंने मुझे बताया कि सीकेडी की प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जो मैंने लेटेस्ट टेस्ट करवाए तो उसमें मुझे पता चला कि मेरी जो है ये स्टेज 5 आ चुकी है। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स लाइक क्रिएटिनिन का लेवल हाई होना, क्रिएटिनिन हाँ, क्रिएटिनिन था, पोटेशियम हाई था, यूरिक एसिड हाई था जी। तो उस वजह से फिर मुझे मैंने ये यहाँ को हिम्स के बारे में मैंने कुछ वीडियोस में देखा था। ओके। कुछ और लोगों से भी मुझे पता चला कि हिम्स में ट्राई आप जरूर कीजिए बिफोर कि अगर मैं दूसरे किसी हॉस्पिटल में जाता तो सबसे पहले उन्होंने मुझे कहना था कि आप डायलिसिस पे जा सकते हैं, 5 से ऊपर। अभी मैंने डायलिसिस नहीं कराया और मैंने फिर हिम्स को चूज किया। ओके। तो आपकी फिजिकल पैरामीटर्स क्या थे? यूरिन आउटपुट कम था, यूरिन आउटपुट कम था, मेरी जो न्यूरोपैथी भी थी और डायबिटिक रेटिनोपैथी भी थी। तो रेटिनोपैथी का तो मुझे 4 दिन के बाद मैंने इतना अच्छा महसूस किया और मैंने खुद बता यहाँ पे आने पे, जब मैंने यहाँ से शुरू हुई मेरी थेरेपी उसके 4 दिन बाद जब मैंने अचानक मैं एक दिन जब नीचे से अपना योगा सेशन करके आया तो मैंने महसूस किया कि मैं तो पहले तो देख ही नहीं पाता था। okay. एकदम से देख नहीं पाता था सूरज में, सुबह स्पेशली 6 से लेके 10 बजे तक तो मैं देख ही नहीं पाता था, लेकिन मैं देख पा रहा था। तो मुझे अपने आप में तब और भी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। देन यहाँ पे जहाँ तक सवाल है मरीज को अटेंड करने का, जो स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, वो आपको एज ए फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं जी। दे नेवर ट्रीट यू। और सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी क्वेश्चन उनसे जाके किसी भी समय पूछ सकते हैं। ये नहीं कि वो आपको एकदम से टूट के पड़ जाएंगे कि आपने क्वेश्चन क्यों पूछा, आप वेग से वेग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो चीज़ जिंदगी के बारे में पता चलता है, मतलब ये हॉस्पिटल नहीं है, ये हमें तरीका सिखाता है कि आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मैं ये सोचता हूँ मुझे यहाँ 15 साल पहले आना चाहिए था जी। सबसे जरूरी चीज़ है कि मैं सोचता हूँ मैं अपने परिवार को भी यहाँ लाऊं ताकि जो बीमारियां मुझे हैं कम से कम वो लोग इस चीज को कैच ना कर पाए। इवन मेरा छोटा ग्रैंडसन है, मैं यही चाहता हूँ कि उसको उसकी जो खान पान है, क्योंकि हम लोग तो बहुत गलत ही तरीके से जी रहे जी, थे जी। आज तक मैंने हमेशा एक योगा को बहुत बड़ा हुआ लिया जी। तो मैं इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे योगा के बारे में आपने बताया, मैं चेयर पे बैठ के योगा कर रहा हूँ और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर, सबसे बड़ी बात है, और मैं रियलिटी में बहुत अच्छा महसूस कर रहा। इससे पहले आप योगा नहीं करते थे? इससे पहले मैंने योगा, मेरे लिए बहुत हुआ था, मुझे ये था कि योगा करनी ही इस तरीके से चाहिए, मुझे योगा मैं कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत फैटी, एक फियर फियर था मेरे दिमाग में। और सबसे ज्यादा जो आर्टिकल्स होते हैं जो आपके दोपहर सेशन है वो इतने, मतलब मेरा दिल करता कि मैं 10-15 सेशन और अटेंड करूं, इतना मतलब वो फ्रूटफुल होते हैं और आपको जिंदगी जीने में इतना सहायक होते हैं। मतलब एक बड़ा, मैं इसको हॉस्पिटल नहीं, मैं इसको गुरु कहूंगा, ये मेरा गुरु है। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो इस उपलक्ष्य में आपका ये मैसेज है योगा को लेके बहुत ही सुंदर है, आपका अनुभव बहुत अच्छा है। मेरा मैं ये कहूंगा कि हर मोटे पतले आदमी को योगा जरूर करनी चाहिए और योगा से बिल्कुल घबराने नहीं चाहिए, योगा से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सुंदर।
तो जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हिम्स हॉस्पिटल किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमें किसी भी बीमारी के लिए नहीं, सिर्फ हमें वैसे भी एडमिट होना चाहिए यहाँ पे आके, अगर आपने जीवन शैली को सही तरीके से जीवन जीना है। मेरा बस यही मैसेज है कि जीवन जीने के लिए, उसकी शैली के लिए हमें हिम्स हॉस्पिटल में ज़रूर विजिट करना चाहिए। सो देखिए दोस्तों, हिम्स जैसे हम लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल कम एक वर्कशॉप है, यहाँ पे हम लगभग 7 से 10 दिन के लिए पेशेंट्स को अपने साथ रखते हैं। इस 7 से 10 दिन के अंदर पेशेंट्स को हम सिखाते हैं कि क्या गलती आपने की है जिसको आपने दोहराना नहीं है, और क्या अच्छी चीज़ सीख के जाइए जिसे अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, और एक एम्बेसडर बन के जाइए समाज में। हम कहते हैं कि बी योर ओन डॉक्टर्स, आप समाज में जाइए, सार्थक रोल अदा करिए, आप जो कुछ सीख के जाते हैं वो लोगों को सिखाइए, स्वयं भी ठीक होइए और लोगों को ठीक होने में मदद करिए। स्वस्थ भारत का ये अभियान में हम लोग एक सार्थक पहल कर रहे हैं और अपना सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, एक बार अवश्य हिम हॉस्पिटल आइए। ये विश्व का पहला ऐसा हॉस्पिटल है जो हॉस्पिटल का एक वर्कशॉप है। आपका भी अनुभव कैसा है कि यहाँ पे आपको दिखते कि लोग पेशेंट्स जैसे दिखते हैं? यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होके जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे आने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे 2 रिलेटिव्स पहले ही यहाँ पे उन्होंने इलाज कराया, और जो डायलिसिस जो हफ्ते में जिनका 3 बार होता था वो 3 महीने में 1 बार होना शुरू हुआ है जी। और उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि नहीं, अब मेरे को डायलिसिस की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर। दोस्तों, आपको आप लोग को मालूम है कि एक किडनी के पेशेंट्स को इतना डरा दिया जाता है, एक हवा बना देते हैं कि बस तेरा क्रिटिन 1.5 से 2 हुआ कि बस डायलिसिस शुरू कर दो, इवन ट्रांसप्लांटेशन तक का सजेशन दे जाता है। एक डर का माहौल इतना है कि पेशेंट्स इतना व्यथित हो जाते हैं कि अपना सब कुछ धन दौलत सब कुछ लुटा के वो चाहता है कि मेरे जीवन बच जाए। और आप मानेंगे कि जब यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, हम उनके मन से सबसे पहले डर निकालते हैं कि क्रिएटिन हाई यूरिक ऐसा कोई ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं। आपके सेशन बहुत ही अच्छे हैं, जबकि मैं खुद मानता हूँ कि क्रिएटिनिन मुझे इतना बड़ा हुआ था कि मुझे ये था कि शायद मैं 2 साल से ऊपर नहीं जाऊँगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं 20 साल भी जिंदा रह सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे अब प्रॉपर फॉलोअप करता रहूँ और आप लोगों की देख रेख में अपना जीवन जी। वी विश कि आप शीघ्र ही स्वस्थ हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।